सब क्या है नोबिता और डोरेमोन? तुमने कमरा कितना फैला रखा है? अगर आज संडे है इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों कुछ नहीं करोगे और चुपचाप बैठे रहोगे, समझे? ठीक है। सही वक्त पर आई हो। क्या तुम्हें पता है कि रिमोट कहाँ पर रखा है? क्या कहा, रिमोट? ये लीजिए। शुक्रिया। अब थोड़ी देर के लिए यहाँ से उठ जाइए, मुझे इस जगह की सफाई करनी है। अरे मुझे देखने दो, इसमें मुझे बहुत मजा आ रहा है। क्या लंच अभी तक नहीं बना? मुझे भी लगी है, भूख लगी है माँ। अरे सुनो, क्या तुम्हारा लंच अभी नहीं बना? जब तक मैं कपड़े नहीं धो लेती आप सबको इंतजार करना होगा। और कितना इंतजार करना पड़ेगा? बस थोड़ी देर और। अगर मैं ना हूँ तो इस घर में एक काम भी ठीक तरीके से नहीं हो सकता है। मुझे बहुत भूख लग रही है मॉम। क्या काम अभी तक खत्म नहीं हुआ? सारा काम फैला पड़ा है और इनको सिर्फ खाने की पड़ी हुई है। हाँ? आ रही हूँ, आ रही हूँ। क्या सच कह रहे हैं? अरे क्या बात हो गई? मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब है। क्या कहा आपने? अरे नहीं, ये तो बहुत ही बुरा हुआ। तुम्हें अभी उनके पास जाना चाहिए। लेकिन मैं घर का आराम से ख्याल रख लूंगा, तुम जाओ, यहाँ की फिक्र मत करो, जाओ। ठीक है तो मैं अभी जाती हूँ, आप सब संभाल लीजिएगा। पर आप सबके खाने का क्या होगा? तुम उसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करो, मैं बना लूंगा। अब तुम्हें जल्दी जाना चाहिए, जल्दी करो। ठीक है, आप घर का ख्याल रखिएगा। क्या पहले कभी आपने खाना बनाया है डैड? नहीं। देखो बच्चो, अगर कोई काम मेहनत से किया जाए तो वो जरूर हो जाता है। अब रुको और देखते जाओ। हाँ। अब देखना मेरा कमाल। जवान, आगे बढ़, आगे बढ़, आगे बढ़। मुझे बहुत फिक्र हो रही है। अरे मेरी गरम गरम तेल में ज्यादा आंच पर हम इसे फ्राई करते हैं, डालते हैं। बच्चों देखा मेरा जादू? हेलो नोबिता, मैं यहाँ पहुँच गई हूँ। घर पर सब ठीक तो है ना? हाँ, हम ठीक हैं मॉम। दरअसल डैड अभी खाना बना रहे हैं। ये सब आखिर है क्या? अच्छा तो मॉम नानी जी कैसी हैं? समझ नहीं आता क्या बना है। ठीक है, बाय मॉम। मॉम क्या कह रही थी? कि वो जल्द से जल्द घर आने की कोशिश करेगी। सुनो बच्चों, बाहर से खाना मंगा लो। ठीक है। बहुत अजीब बात है, आमतौर पर तो वो यहीं पर होता है। मुझे एक बर्गर चाहिए। और मेरे लिए प्लीज जूस मंगवा दीजिए। माफ करना, मुझे याद नहीं कि मैंने पैसे कहाँ रखे हुए हैं। याद कीजिए, आपको मिल जाएंगे। हाँ याद करता हूँ। अरे ये रहे, तेरे पैसे मिल गए। अब हम क्या करेंगे? मुझे तो बहुत जोर से भूख लग रही है। मुझे पता है, ऐसे वक्त में ऐसे वक्त में हमें सो जाना चाहिए। ऐसा मत करिए डैड। तुम्हें भी सोने में मजा आता है ना? मुझे इतनी भूख लगी है कि मैं कुछ सोच भी नहीं पा रहा। थोड़ा सा सबर रखो ना। मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। मैं बेहोश हो जाऊंगा। मेरे पास एक आइडिया है। लेकिन ये तो कोई खाने की चीज नहीं है। उसकी फिक्र मत करो। तो बताओ तुम क्या खाओगे नोबिता? कुछ भी, जो भी मिलेगा मैं खा लूंगा। तो अब देखना मैं तुम्हारे लिए कौन कौन सी चीजें लाता हूँ। अरे वाह! अरे ये तुमने सब कैसे किया? इतना सारा खाना कहाँ से आया? तो मेरे गैजेट का कमाल है। जो खाना चाहते हैं वो खा लीजिए। कितना अच्छा है ना? बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ही अच्छा है। खाने का जवाब नहीं है। खाने के लिए शुक्रिया, खाना टेस्टी था। जब खाना इतना अच्छा होता है तो खाने का और मन करता है। ठीक है, तो अब मीठे में क्या खाओगे? हमें चाहिए गुलाब जामुन, आइसक्रीम और कॉफी। अरे वाह!
मेरा पेट तो बहुत ज्यादा भर गया। मैं तो अब और कुछ भी नहीं खा सकता। लेकिन मैं और खाना खा सकता हूँ। तुम्हें ऐसे खाना वेस्ट नहीं करना चाहिए। मुझे ये पता है डोरेमोन, समझ गया। मैं ये खाना सबको खिलाना चाहता हूँ। पता है, मैंने एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में पेट भरकर चाइनीज खाना खाया। क्या? सबसे पहले मैंने वहाँ पर स्टीम्ड मोमोज खाए दोस्तों। क्या कहा तुमने? ये स्टीम्ड मोमोज क्या होते हैं? क्या कहा? तुम्हें स्टीम्ड मोमोज नहीं पता जियान? उसके अंदर कच्ची सब्जियाँ होती हैं जियान। अरे नहीं, तो तुम अभी कच्ची सब्जियाँ खा कर आ रहे हो? और उसके बाद मैंने खाई मसाला चाउमीन। और सुनियो, वो क्या होता है? पता है, उसमें मशरूम भी थे। क्या कहा? और उसके बाद मैंने कमाल के मंचूरियन खाए, और उसके बाद हनी चिली पटेटो भी खाए। वाकई मजा आ गया दोस्तों। अगर तुम लोगों ने ये सब खाया होता तो तुम्हें पता चलता कि स्वादिष्ट खाना किसे कहते हैं। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रहे हो नोबिता? बताता हूँ सुनियो, हम तुम सबको ट्रीट देंगे। क्या मतलब है तुम्हारा? अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो चलो मेरे साथ। आप क्या खाएंगे? सबसे पहले मैं स्टीम मोमोज खाना चाहूँगा, और उसके बाद हनी चिली पटेटो खाऊंगा, और उसके बाद मशरूम खाऊंगा चाउमीन के साथ। जरा रुको, ये सब इस पर लिख दो। कमाल है, अब ये काम भी हमें करना पड़ेगा। क्या ये गैजेट इतना सारा खाना बना पाएगा? ये कहीं भी कुछ भी बना सकता है। ठीक है। अरे ये तो बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। ये तो कमाल हो गया। पर पता नहीं इसका टेस्ट कैसा होगा। चलिए अब इसे खा कर देखिए। ये तो बहुत टेस्टी है। स्वादिष्ट, बहुत स्वादिष्ट है ये तो, सच में मजेदार। वाह, क्या बात है, क्या बात है। खाना वाकई बहुत टेस्टी है। टेस्टी तो है, लेकिन ये सब क्यों कर रहे हो? इतना ही टेस्टी है तो क्यों ना कुछ और ऑर्डर करें? अरे नहीं। अच्छा सुनो, मुझे मंचूरियन और खाने हैं। और मुझे चाहिए स्वीट पोटैटोस। क्यों नहीं, क्यों नहीं, जो भी आप लोग खाना चाहें। अरे वाह। मुझे बहुत खुशी है कि फिक्र की कोई बात नहीं थी। तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। आप उसकी फिक्र मत कीजिए, मुझे जैसे ही पता चला मैं फौरन यहाँ चली आई। तुम्हारा भाई तो छोटी से छोटी बात पर घबरा जाता है, तुम तो उसे जानती ही हो। अरे नहीं, बहुत देर हो गई, मुझे चलना चाहिए। रात बहुत हो चुकी है, कल चली जाना। लेकिन मुझे घर की बहुत ज्यादा फिक्र हो रही है। मुझे विश्वास है कि तुम्हारे बिना भी वो लोग अपना ख्याल रख सकते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता, मुझे यकीन है वो सब मेरे इंतजार में भूखे बैठे होंगे, इसीलिए मुझे इतनी फिक्र हो रही है। मुझे भूख लगनी शुरू हो गई है। चलो खाना खाते हैं। चाइनीज खाने के बारे में क्या ख्याल है? मैं पानी आ गया। अभी हाजिर करता हूँ। बारिश शुरू हो गई, लगता है अब तो मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। पर मुझे बहुत फिक्र हो रही है, वो सब मेरे इंतजार में अभी तक भूखे बैठे होंगे। देखो मैं घर आ गई, मैं घर आ गई। तुम लोग बहुत भूखे होगे ना, मैं अभी खाने के लिए कुछ। मेरा पेट तो एकदम भर गया। तुम आ गई? अरे मॉम, ये आपको क्या हो गया? मैं तो हिल भी नहीं पा रहा। क्या तुम भी खाना चाहोगी? बहुत ही अच्छा है। क्या हुआ मॉम, इतनी गुस्से में क्यों है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा। कहीं